नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे गार्डन में। तो दोस्तों, आज देख सकते हैं आप कि अब समर के जो हमारे प्लांट्स हैं, हालांकि जो रोज़ का प्लांट है वो विंटर का प्लांट्स है, लेकिन ज़्यादा सर्दी पड़ती है और धूप नहीं मिलती तो रोज़ के प्लांट्स भी अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करते। तो अभी देख सकते हैं आप कि रोज़ के प्लांट पे, हम सभी के जितने भी प्लांट्स हैं उस पर बहुत अच्छे बड बन रहे हैं और अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। और अब सबसे बढ़िया बात ये हो रही है कि हिबिस्कस के जो भी प्लांट्स थे, अब उन्होंने भी अच्छे नई नई बड बनानी शुरू कर दी है, न्यू ग्रोथ शुरू कर दी है और आज कई फ्लावर्स मेरे हिबिस्कस पे आए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे अपने गार्डन के उस प्लांट्स को शेयर करूंगी जो कि इतना हार्डी होता है, जो बिना केयर के और जब उस पर फ्लावरिंग होती है तो एक गुच्छे में भर भर के फ्लावरिंग हो सकती है। तो दोस्तों, आज का मेरा प्लांट है कनेर का प्लांट। और अगर कनेर की बात करें तो बहुत सारे कलर्स में, जिसमें कि रेड, पिंक कलर, येलो कलर और वाइट कलर में बहुत ही खूबसूरत से आपको कनेर के प्लांट नर्सरी पर मिल जाएंगे। और मेरे पास इसके दो कलर हैं, जिसमें कि इसको पूरी तरीके से रेड तो नहीं कहेंगे लेकिन डार्क पिंक कलर का। और ये बहुत ही, 2 साल पहले मैंने प्लांट लिया था और इसकी एक कटिंग ग्रो करके मैंने अपनी सिस्टर को दी है और वहाँ पर भी अब उसमें बड बन गई है। तो जितना ये मदर प्लांट की जितनी हाइट है, उतना ही प्लांट मेरा जो मैंने ग्रो किया था, बहुत अच्छे से इसकी कटिंग लग गई थी। तो अगर आप कनेर के प्लांट की बात करें तो अगर मोटी थोड़ी सी सेमी हार्डवुड अगर कटिंग लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाती है। और दूसरा मेरा प्लांट है ये वाइट कलर का। इसकी हाइट तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तब मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि टेरेस पर बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाए, तो मैंने इसको पूरी तरीके से कट कर दिया था। और मुझे ये था कि अगर ये सूख भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी कटिंग मैंने ग्रो कर रखी है। लेकिन देखिए अब इसमें दोबारा से कितनी भर के हरी भरी पत्तियाँ आ रही है। तो दोस्तों, कनेर की अगर बात करें तो ये जो रेगिस्तान के जो एरियाज होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कनेर का प्लांट पाया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी रेगिस्तान के एरिया होते हैं वहाँ पर ना तो पानी उपलब्ध होता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर पड़ती है। इसके बावजूद भी ये प्लांट जो है वो पूरी गर्मी, कितनी भी गर्मी पड़े उससे पानी की कमी को सह लेता है और पूरी तरीके से प्लांट कभी नहीं मरता। अगर ये सूख भी जाता है, जो मैंने अभी आपको वाइट प्लांट दिखाया जो कि जिसकी कटिंग है, और वो मेरा मदर प्लांट जिसे मैंने कट कर दिया था, सर्दी में बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे कि प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लेकिन जैसे ही दोबारा से समर का सीज़न आया तो इस पर नई ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो गई। और अगर इस कटिंग की बात करूँ तो बिल्कुल 7 इंच के प्लांटर में ये यहाँ पर लगा हुआ है और बिल्कुल लास्ट में रखा हुआ है, तो इसको ना ज़्यादा यहाँ पर प्रॉपर पानी मिलता है। और अभी तक मैंने इस प्लांट की कोई केयर नहीं की है, ना ही इसकी गुड़ाई हुई है और ना इसको कोई खाद पानी दिया है। तो इसलिए ही मैंने इस प्लांट को कह सकते हैं कि हार्डी वाली वैरायटी से आपको परिचित कराया कि बहुत हार्डी प्लांट है। अगर आप एक बार इसको अपने गार्डन में ले आते हैं तो ये सालों साल आपके गार्डन में बने रहते हैं। बस समय समय पर इनकी रिपोर्टिंग करते रहिए। और अगर बहुत अच्छा होगा अगर इसको 18 से 20 इंच का प्लांटर दिया जाए, या आपके घर में जो पेंट वाली बाल्टी होती है अगर आप उसमें भी इसको लगा देते हैं। बस कभी भी इसमें किसी भी प्रकार के कोई कीड़ों का अटैक या प्लांट ख़राब हो गया ऐसा कुछ नहीं होता और हमेशा आपके साथ बना रहता है। और फ्लावर भी बहुत अच्छे होते हैं, पूजा में भी इन फूलों को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल।